मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम आसानी से हैंड सैनिटाइजर किस तरह से बनाएं बिना अल्कोहल के। दोस्तों, अभी तो मार्केट में हैंड सैनिटाइजर की बहुत ही शॉर्टेज है, तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने ली है एलोवेरा की बिल्कुल फ्रेश पत्ती। यदि आपके पास एलोवेरा जेल का ये डब्बा है तब तो बहुत ही अच्छा है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। और यदि एलोवेरा का पौधा लगा है दोस्तों, तो आपको लेना है एक एलोवेरा की पत्ती और बस आपको लेना है इस एलोवेरा का जेल। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा में, और जब हम एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करते हैं इस सैनिटाइजर में, तो हमारे हाथों में लगे हुए जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, वे सभी ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है एलोवेरा का जेल। तो इस तरह से मैंने एलोवेरा की पत्ती में से इसके ऊपर का छिलका उतार लिया है। चम्मच की सहायता से हल्का सा दबाव देते हुए हम इस एलोवेरा की पत्ती में से उसका जेल अलग कर लेंगे। ये देखें कितने आसानी से हमने बिल्कुल ताज़ा एलोवेरा का जेल निकाल लिया है। तो इसी तरह से पूरी पत्ती में से इस एलोवेरा के जेल को मैं निकाल लूँगी और उसके बाद ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया अच्छा इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी, ताकि बढ़िया अच्छा स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए। तो ये देखें, आप देख सकते हैं बढ़िया अच्छा मैंने एलोवेरा का ये जो जेल है इसे खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और बढ़िया अच्छा थिक पेस्ट बन गया है। और इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम अपने हैंड सैनिटाइजर में। तो बिना रबिंग अल्कोहल के ही आज मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, पुराने समय में नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता आता था दोस्तों। जब भी कोई बीमारी होती थी, चाहे बच्चों को बड़ों को कोई भी ऐसी बीमारी होती थी, तो नीम के कड़वे पानी से ही नहलाया जाता था, ताकि शरीर में जो भी जीवाणु हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, वो सभी ख़त्म हो जाएं। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम की पत्तियों में, नीम के रस में। तो यहाँ पर मैंने भी नीम की पत्तियाँ ली जिसे खूब अच्छी तरह से पानी से मैंने धो लिया है। और पानी से धोने के बाद अब हमें इस नीम की पत्तियों को खूब अच्छी तरह से उबालना है। तो यहाँ एक बड़े बर्तन में मैंने एक जग पानी ले लिया है और नीम की पत्तियों को रख दिया। कम से कम 10 मिनट तक के स्लो फ्लेम पर उबालना है, ताकि इस पानी में नीम का जो भी एक्सट्रैक्ट है वो इस पानी में आ जाए। नीम जो कि दोस्तों पर्यावरण को शुद्ध करता है, और आजकल तो नीम का पेड़ ज़्यादातर सभी जगह लगा रहता है, और नीम की पत्तियाँ, नीम का रस बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। पुराने समय में कोई ऐसे बाज़ार की चीज़ें नहीं होती थी इस तरह से हैंड सैनिटाइज़र को बनाने के लिए। नीम के कड़वे पानी से ही जर्म्स को दूर किया जाता था। बहुत से गांव में तो आज भी नीम की पत्तियों को जलाया जाता है, सूखी पत्तियों को, ताकि मच्छर मक्खी और जो भी छोटे मोटे जानवर हैं उनसे निजात मिल सके। और आज मैं इसी नीम की पत्तियों को उबालकर, नीम के पानी का रस निकालकर आपको ये घरेलू हैंड सैनिटाइज़र बनाना बता रही हूँ। आपको लगेगा अरे हमारे हाथ कड़वे होंगे, बिल्कुल भी हाथ कड़वे नहीं होंगे, हमने खूब अच्छा उबाल लिया है और बहुत गाढ़ा भी नहीं लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े चम्मच डेटॉल, डेटॉल जो कि एंटीसेप्टिक होता है और हमारे हाथों में लगे हुए किसी भी तरह के बैक्टीरिया या जर्म्स को मारने में बहुत ही सहायक है। तो एक बड़े चम्मच मैंने इसमें डेटॉल डाल दिया और खूब अच्छी तरह से अब हमें इसे मिक्स करना है। दोस्तों, बाज़ार में यदि आपको रबिंग अल्कोहल मिले तब तो बहुत अच्छा, परंतु अभी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, तो क्यों ना ही हम घर पर ही कुछ घरेलू उपाय से इस हैंड सैनिटाइज़र को बनाएं। और इस समय तो हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। एक बड़ा जो कटोरा भर के मैंने एलोवेरा का जेल बनाया था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, ताकि थोड़ा सा ये थिक हो जाए। और एलोवेरा तो गुणों का भंडार है, और आपके पास जो भी पुरानी बॉटल होगी दोस्तों, उसमें आपको इसे भरना है। भरने से पहले बॉटल को सैनिटाइज जरूर करें, ऐसा नहीं कि बॉटल अंदर से गंदी हो। तो दोस्तों, मैं क्या कर रही हूँ, एक बड़े बर्तन में मैंने खूब अच्छा पानी डाल दिया है और पानी को अच्छी तरह से उबलने दें। बहुत बढ़िया, जब पानी गर्म हो जाए तब आप इसमें ये बॉटल डाल दें, और उबलते हुए पानी को डालकर आप इसे खूब अच्छी तरह से खंगाल लें, शेक कर लें, ताकि बॉटल अच्छी तरह से सैनिटाइज हो जाए। तो मैंने बॉटल का ये जो स्प्रे वाला ढक्कन है इसे भी इस पानी, उबलते पानी में डाल दिया है, और 10 मिनट आप ऐसे ही छोड़ दें, ताकि बॉटल में कोई भी जर्म्स ना रहे और हमारा हैंड सैनिटाइज़र बहुत ही बढ़िया बने। तो ये देखें, कड़वे नीम का पानी, एलोवेरा का पल्प, और साथ ही डला है इसमें डेटॉल। और डेटॉल की खुशबू तो दोस्तों बहुत ही अच्छी होती, इसलिए हम इसमें कोई भी अलग से खुशबू ऐड नहीं करेंगे।
100% शुद्ध हैंड सैनिटाइज़र हमने तैयार किया है, आप इसे घर पर ज़रूर बनाकर रखें। 4 से 5 बार आप अपने हाथों को इस सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ़ करें। घर में सभी को इसे इस्तेमाल करने बोलें, बच्चों को भी इससे अपने उनके हाथ ज़रूर साफ़ करें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। पुराने समय में तो लोग नीम की कुछ पत्तियों को ऐसे ही निगल लेते थे, उससे भी बहुत सी बीमारियां दूर होती थी। तो फिर ये ना सोचें कि अरे ये हाथ में लगा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपके हाथों के जम्स को मारेगा। और इस समय इतना जब वायरस इन्फेक्शन है, तब तो हमें ज़रूर बचाव की कोशिश करना चाहिए। तो बस इस हैंड सैनिटाइज़र को आप इस तरह से इस्तेमाल करें, दोनों हाथों में लें, हथेलियों में लगाएं, हाथों के ऊपर लगाएं, उंगलियों की लंबाई में लगाएं, नाखूनों में लगाएं और खूब अच्छी तरह से इसे रब करें। अब आपके हाथ बिल्कुल ही जर्म्स फ्री हो गए हैं और इसे आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।